अरे नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब तो बुढ़ापा आ गया है। तुम सुनो, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। क्यों? मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लिया और आज मेरे काम का पहला दिन है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अरे क्या गड़बड़ हो गई भाई, ये ट्रेन क्यों रुक गई? कुछ भी हो, बस ये ट्रेन जल्दी से चल दे। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, आज लेट नहीं होना चाहिए। जब आप किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जिसे देश के लिए जीवन रेखा कहा जाता है, तो आप यात्रियों को लेकर नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। EMU Car Shed गाजियाबाद हमें हर पल इस जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो आइए EMU Car Shed गाजियाबाद की यात्रा शुरू करते हैं। EMU Car Shed एक इंडस्ट्रियल टेक्निकल सेटअप है जहां EMU और MEMU की मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जाता है ताकि ट्रेन ठीक तरह से काम कर सके। ये EMU और MEMU की ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाने में योगदान देता है और लाइन फेलियर को कम करने की कोशिश करता है। शेड में मोटर कोच और ट्रेलर कोच की मरम्मत और परीक्षण करने के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। EMU कार शेड में मोटर कोच की मेंटेनेंस, फ्रेम मेंटेनेंस, भारी लिफ्ट क्रेन, कोच वॉशिंग प्लांट और टेस्टिंग लैब उपलब्ध है। EMU कार शेड को 3 सेक्शनों में विभाजित किया गया है, मैकेनिकल सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन, रनिंग रिपेयर। EMU ट्रेन के चलने में कभी कभी कुछ फेलियर आ जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं: नॉच का न आना, नॉच ब्रेक हो जाना, ब्रेक बाइंडिंग हो जाना, ABB VCB का न लगना, EP ब्रेक का कार्य न करना, ट्रैक्शन मोटर का आइसोलेट होना। उपरोक्त फेलियर को रोकने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं: नॉच का न आना, नॉच ब्रेक हो जाना। इस प्रकार का फॉल्ट गाड़ी में आने पर गाड़ी की नॉच नहीं आती या नॉच ब्रेक हो जाती है एवं ट्रेन चल नहीं पाती है। उपरोक्त फॉल्ट को आने से रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल सेक्शन द्वारा POH के दौरान सभी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टरों की ब्लोइंग करना, EP कॉन्टैक्टरों को ट्रेन कोच से उतार कर सेक्शन में ओवरहॉल किया जाता है एवं भली भांति टेस्ट पैनल पर टेस्टिंग करने के बाद पुनः ट्रेन कोच में लगाया जाता है। पावर केबल की मेजरिंग जांच करना एवं समस्या पाए जाने पर उसे ठीक करना। समय समय पर शेड्यूल इंस्पेक्शन के अनुसार इंस्पेक्शन में चेक किया जाता है। एवं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टरों के गैप को एडजस्ट किया जाता है। आवश्यकता अनुसार पॉलिश पेपर के द्वारा कॉन्टैक्टरों पर से कार्बन को साफ किया जाता है। यात्रा अनुसूची के अनुसार
सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जांच की जाती है, जिससे होने वाले फेलियर को रोका जा सके। फिर ट्रेन की कंप्लीट टेस्टिंग करना, जिससे ट्रेन को यात्रा सेवा के लिए फिट करके सर्विस पर भेजा जा सके। ब्रेक बाइंडिंग, ट्रेन को रोकने के लिए ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाई जाती है एवं ब्रेक को रिलीज करने के बाद ड्राइवर द्वारा ब्रेक को हटाया जाता है। ऐसे में यदि किसी कोच की ब्रेक रिलीज न हो तो ऐसे फॉल्ट को ब्रेक बाइंडिंग कहा जाता है। इस प्रकार के दोष को रोकने के लिए न्यूमैटिक सेक्शन द्वारा ब्रेक सिलेंडर एवं अन्य ब्रेक उपकरणों को हटाया जाता है और उन्हें ओवरहॉल किया जाता है। सेक्शन में टेस्ट बेंच पर ब्रेक यूनिट और ब्रेक कंट्रोलर की टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करने के बाद बोगी में ब्रेक सिलेंडर लगाना एवं कोच में अन्य आइटमों का फिटमेंट करना। कोच में ब्रेक टेस्टिंग करना। ABB, VCB का न लगना। इस तरह के फॉल्ट को रोकने के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को मोटर कोच से उतार कर इसे सेक्शन में ओवरहॉल करके टेस्ट बेंच पर टेस्टिंग करना, फिर पुनः कोच में फाइनल फिटमेंट किया जाता है। छत के उपकरणों की जांच की जाती है, जिससे कोई टूट फूट ना रहे, कोई भी बस बार के कनेक्शन लूज ना हो। इसमें इंस्पेक्शन शेड्यूल एवं ट्रिप इंस्पेक्शन शेड्यूल के अनुसार कार्य करना शामिल है। ब्रेक का कार्य न करना। कभी कभी जब ड्राइवर द्वारा ट्रेन को रोकने के लिए ईपी ब्रेक लगाई जाती है और ट्रेन में ब्रेक न लगे, तो इस तरह के फॉल्ट को रोकने के लिए ईपी यूनिट को कोच से उतार कर ओवरहॉलिंग टेस्टिंग करने के बाद पुनः कोच में लगाया जाता है। इंस्पेक्शन IA, IC में एप्लीकेशन एवं होल्डिंग बाल्ब को खोलकर साफ करके पुनः कोच में लगाया जाता है एवं ट्रेन की फाइनल ब्रेक टेस्टिंग की जाती है। ट्रैक्शन मोटर का आइसोलेट होना, इस प्रकार के फॉल्ट को रोकने के लिए ट्रैक्शन मोटर सेक्शन द्वारा ट्रैक्शन मोटर को हटाना एवं डिसमेंटल करना और इससे ओवरहॉल करना। अवन में बेकिंग करना। फिर पुनः ट्रैक्शन मोटर सेक्शन द्वारा ट्रैक्शन मोटर की फाइनल असेंबली टेस्टिंग करना एवं मोटर कोच में फिटमेंट करना। सभी मोटरों के फिटमेंट के बाद कोच की फाइनल टेस्टिंग करना एवं रेक के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद यात्री सेवा के लिए रेक को टर्न आउट करना। EMU कार शेड गाजियाबाद में उत्तर रेलवे के सभी 848 EMU और मेमू कोचों का शेड्यूल इंस्पेक्शन व POH किया जाता है। यहाँ की गाड़ियाँ अमृतसर से मुगलसराय और मुरादाबाद से आगरा तक चलती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, रेल वृत्तीकरण अम्बाला, रेल वृत्तीकरण इलाहाबाद के 105 OHE इंस्पेक्शन कार का भी POH किया जाता है। EMU कार शेड गाजियाबाद तभी सफल हो पाएगी जब सेट का हर एक कर्मचारी पूर्ण तन्मयता के साथ अपना कार्य करेगा और अपने कार्य में गौरव का अनुभव करेगा। तो आइए इस राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल के सदस्यों के रूप में मिलकर पूर्ण जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और ईमानदारी से कार्य करें।